आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रिश्ला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सर्वे से शुरू होकर सुनवाई तक पहुंचा ज्ञानवापी मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेताओं से लेकर अब धर्म गुरुओं तक की तीखी प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आ रही है। वहीं ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नया आदेश जारी करते हुए फिलहाल सुनवाई को शुक्रवार के लिए टाल दिया है और यह भी कहा है कि अब तक वाराणसी कोर्ट में भी इस पर सुनवाई नहीं होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रहस्य से उठेगा पर्दा, रिपोर्ट खोलेगी ज्ञानवापी की हकीकत, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। काशी का ज्ञानवापी मुद्दा कई बरसों पुराना है, जो दो धर्म की आस्था और उनकी परंपराओं से जुड़ा है। लेकिन 1991 से शुरू हुए इस विवाद की गूंज 18 अगस्त 2021 को फिर से सुनाई दी, जब 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया। वहीं इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी करते हुए फिलहाल सुनवाई को गुरुवार 3 बजे तक के लिए टाल दिया है। वहीं शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत आज कोई आदेश नहीं दे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट से इस मामले में 20 मई को सुनवाई करने का अनुरोध किया था, जबकि यूपी के वकील तुषार मेहता ने जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। मुस्लिम पक्ष के ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कोर्ट से कहा कि देश भर में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इसलिए इन सब पर आज ही सुनवाई होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई आज होनी है। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कल इस मामले को सुन सकते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई चल रही है। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्ने की दूसरी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश कर दिया है। ये सर्वे 14 से 16 मई के बीच में किया गया था। इससे पहले पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने कोर्ट में 2 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिलने का दावा किया था, जबकि पहला सर्वे 6 और 7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में किया गया था। और जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ने लगा, विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को धर्म की राजनीति से जोड़ते हुए वार पलटवार का खेल शुरू कर दिया। वहीं अयोध्या में सपा सुप्रीमो ने ज्ञानवापी सर्वे पर पूछे गए सवाल पर हिंदू की मान्यताओं और आस्था पर सवाल खड़ा करते हुए विवादित बयान दे दिया। इस कोर्ट का मामला है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिसकी जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं, सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। फिलहाल इस मामले में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष कई दावे कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि सर्वे की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।